हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल राशि परिवर्तन के विषय में। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ये जो समय है ना, तो कई सारी समस्याओं को उत्पन्न करने वाला, और कहना चाहिए कि आने वाले समय में जो एक ऐसी स्थिति बनने वाली जिससे हर एक व्यक्ति प्रभावित होगा और लोगों के जीवन में समस्याएं आने वाली हैं, तो वो कहीं ना कहीं तांडव की स्थिति, वो समस्याओं की स्थिति बनने वाली है। उसे हम विस्तार से समझेंगे, कैसे उनसे हम बच सकते हैं और किन्हें क्या समस्या होगी, किन्हें नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, ये जो मंगल का परिवर्तन है, ये बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहिए कि वैसे तो मंगल का परिवर्तन हमेशा होता ही रहता है, परंतु ये परिवर्तन बहुत खास है, इसको समझने की आवश्यकता है। मंगल का परिवर्तन 20 अक्टूबर 2024 को होने जा रहा है। ये परिवर्तन मंगल अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और मंगल का गोचर 1.5 महीने तक रहता है, परंतु ये जो मंगल का गोचर 20 अक्टूबर को होने जा रहा है, ये मंगल का गोचर आने वाले 7.5 महीने के आसपास का समय रहने वाला है, यानी कि 20 अक्टूबर से लेके 2025 में जून तक, 7 जून तक मंगल यहीं पर गोचर करेंगे कर्क में, फिर 7 जून को वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो सोचिए कि जो ग्रह कहीं ना कहीं 1.5 महीने 45 दिनों तक एक राशि में रहता है, वो ग्रह कई महीनों के लिए, इतने लंबे समय के लिए एक राशि में गोचर कर रहा है, वो भी नीच अवस्था में। और भी कई सारी स्थितियां हैं जिन्हें हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ये मंगल का गोचर अभी ये मार्गी अवस्था में है, परंतु दिसंबर में 2024 में ये वक्री हो जाएंगे और फिर फरवरी में पुनः मार्गी होंगे और फिर सिंह राशि में जून में प्रवेश करेंगे। परंतु यहाँ पर जो ग्रह स्थितियां हैं 2025 में, जो बड़ी समस्याएं जीवन में लोगों के आने वाली हैं, आपने कई सारी वीडियो देखी होगी कि 2025 में दुनिया में बहुत सारी समस्याएं, बल्कि लोग तो ये कह रहे हैं कि 2025 में इस दुनिया का अंत हो जाएगा, कलयुग का अंत हो जाएगा। इसकी हम चर्चा किसी दूसरी वीडियो में करेंगे, परंतु हाँ, ये जरूर है कि कलयुग का अंत नहीं होने वाला, ये प्रारंभिक दौर है और ना दुनिया का अंत होने वाला। हाँ, ये जरूर है कि समस्याएं हमें देखनी पड़ेगी, जैसे हमने अभी 2020-21 में समस्याओं को देखा, इसी तरह कई तरह की समस्याएं आने वाले भविष्य में होने वाली हैं। प्रिय दर्शकों, एक महत्वपूर्ण सूचना देनी थी कि यदि आप आउट ऑफ इंडिया हैं, यानी कि भारत के बाहर से, इंडिया के बाहर से आप यदि चिंतामणि ज्योतिष इस चैनल को देखते हैं, और यदि आपको इंग्लिश में देखना ज़्यादा ठीक लगता है या आप इंग्लिश में देखते हैं राशिफल, तो आप हमारे दूसरे चैनल CI एस्ट्रोलॉजी को देख सकते हैं। उसमें आपको इंग्लिश में यही जानकारी जो आपको इसमें हिंदी में प्राप्त होती है, वो इंग्लिश में आपको प्राप्त होगी। मैं चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में आप YouTube में या Facebook में सर्च भी कर सकते हैं CI एस्ट्रोलॉजी, आप नाम देख पा रहे होंगे। और साथ में जो है तो उस चैनल की मैं लिंक भी आई बटन में भी देने की कोशिश करूंगा वीडियो की या तो चैनल की, तो वहां के माध्यम से जा सकते हैं आप या तो सर्च कर सकते हैं। और चैनल का जो सेक्शन है वहां पर भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। आइए हम समझते हैं कि ये मंगल का जो परिवर्तन है, ये देखिए सूचना कैसे 2025 का दे रहा है जो समस्याएं, क्योंकि देखिए अभी जस्ट 17 अक्टूबर को सूर्य का परिवर्तन हुआ नीच राशि में, शुक्र का भी परिवर्तन हुआ था परंतु शुक्र भी पीड़ित अवस्था में थे, और अब मंगल, तो ये सूचना है 2025 की। आइए समझते हैं कि मकर वालों के लिए, क्योंकि मकर वालों के लिए मंगल जो है तो आपके दाम्पत्य जीवन में जो भाव है, सप्तम भाव वहां पर गोचर कर रहे हैं,
आपके जीवन में समय आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने दाम्पत्य जीवन, अपने मैरिज लाइफ का, क्योंकि इस समय है मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं समस्याएं बाधाएं होने वाली हैं, बात ब्याद लड़ाई झगड़े ये चीजें होने वाली हैं। कुछ लोगों के ये जो लंबा समय है इसके बीच में अलगाव की स्थिति भी बन सकती है, और साथ में जो व्यापारी हैं तो व्यापारियों को भी सावधान रहना चाहिए, व्यापारियों को भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। और मंगल की स्थिति देखी जाए तो मंगल कहीं ना कहीं आपके आय के अधिपति बनते हैं, इसलिए आपके आय को भी प्रभावित करेंगे। ये जरूर है कि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई माध्यम आपको देखने को मिलने वाला है जिससे आय के साधन बनेंगे, परंतु साथ में व्यय भी होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी काम आप करना चाहते हैं उसकी आप तैयारी कर रहे हैं कि ये काम हमें करना है, तो उसकी जो तैयारी है बहुत मजबूत रखिए। यदि समझिए कि आपने एक प्लान बनाया और वो प्लान फेल हुआ तो फिर क्या आपके पास ऑप्शन रहेगा, ये भी समझ के रखिए, क्योंकि संभवतः कई सारे ऐसे काम इस समय होंगे, ये जो 7 से 7.5 महीने का लगभग समय है, तो इसमें कई सारे ऐसे काम होंगे जो कि अचानक उनमें कोई समस्याएं आ सकती हैं, तो इसलिए आपको पहले से ही सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा आपको इस समय अपने क्रोध में बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि संभवतः आप महसूस करेंगे कि आपको इस समय क्रोध बहुत ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से कई बार आप जो है तो क्रोध की वजह से कई सारी समस्याओं को क्रिएट कर सकेंगे, तो ये समस्या क्रिएट ना हो, क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो कुछ सोचता नहीं है, जो भी मन में आया सो कह दिया सो कर दिया। और अपने विपरीत का सम्मान करिए, क्योंकि विपरीत का सम्मान नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि इस समय मान सम्मान में भी कमी देखने को मिलेगी। तो आप जरा थोड़ा सा देखिए, दुनिया का नियम है, जो भी चीजें आपको प्राप्त करनी है प्रेम से प्राप्त कर लीजिए तब तो ठीक है, पर क्रोध से गुस्से से जबरदस्ती कोई भी चीज प्राप्त नहीं की जा सकती। भले कोई छीन ले वो अलग बात है किसी से कोई चीज, परंतु छीनने से कोई चीज प्राप्त होती नहीं है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। और आपको अपने कार्य क्षेत्र को लेके, जॉब को लेके भी विशेष सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जॉब में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनने वाली है, जो कि यहाँ पर मंगल को कार्य तत्व प्राप्त होता है कार्य क्षेत्र में आपके, तो वहाँ पर मंगल बहुत बुरा तो नहीं करेंगे, हाँ ये जरूर है कि समस्याएं तो हैं, तो सावधान हमें रहना चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा समस्याएँ रहने वाली हैं जो लोग पहले अभी प्रयास कर रहे हैं जॉब के लिए, समझिए इंटरव्यू दे रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा समस्याएं बन सकती हैं। इसके अलावा आपको अपने घर परिवार में खुशी का माहौल बनाए रखना होगा, क्योंकि आपस में थोड़ा सा उलझन हो सकती है, पैतृक संपत्ति को लेके कोई काम है प्रॉपर्टी को खास कर लेके, तो आपको इससे दूर रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, यदि अभी कोई बहुत आवश्यक ना हो तो दूर रहें आप तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि यदि उसमें पड़ेंगे तो और भी ज़्यादा फंसेंगे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और देखिए क्या होता है कि कोई भी काम, चाहे आप व्यापारी हों जैसे पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं या अन्य कोई भी ऐसे काम कर रहे हैं, तो जब व्यक्ति कोई बड़ा काम करता है तो उसमें थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ता है और रखना भी चाहिए, परंतु इस समय आपको कोई भी व्यक्ति हो, है ना, आपका पार्टनर हो या आपका कोई मित्र हो या अन्य व्यक्ति जो आपका सहयोग कर रहे हो किसी भी तरह किसी भी काम में, तो आप विश्वास तो करिए परंतु सावधान भी रहिए, नजर भी रखिए कि क्या सही है कि नहीं, क्योंकि इस समय संभवतः कई सारे लोग आपको धोखा दे सकते हैं, जो आपके मित्र हैं आपके हितैषी हैं वही लोग, तो इसलिए आप जो है तो इन बातों का ध्यान रखिए। तो मंगल कहीं ना कहीं धन लाभ तो करवा रहे हैं परंतु कई सारी समस्याएं दे रहे हैं, तो अब इससे बचने के लिए हमें उपाय क्या करना चाहिए,
तो इससे बचने के लिए हनुमान जी की आराधना ही सर्वश्रेष्ठ है। तो हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड कर सकते हैं, रामायण कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात राम नाम का जप और हनुमान जी के दर्शन, ये बड़े सरल और बिना पैसे को कहीं ना एक रुपये लगना है, ना कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो भगवान का नाम जप करिए और दर्शन करिए, इससे आपका कल्याण होगा। परंतु मैं हमेशा की तरह बता दूं कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कर लीजिए। मात्र आपको डरना नहीं है कि मंगल अब नीच के हो रहे हैं या दुनिया में समस्याएं आने वाली हैं, तो इससे आप डरें। ज्योतिष का मात्र एक ही काम है, आपको दिखाना भविष्य में क्या होने वाला है। तो उसके लिए हम सावधान हो जाएं, हम सजग हो जाएं। अब समझिए कि यदि थोड़ा आकाश मंडल में यदि बदरी हो जाती है, तो मतलब पानी का माहौल बनता है, तो हम क्या करते हैं, हम छाता ले लेते हैं या ऐसी जगह में चले जाते हैं जहां पर कुछ ऐसा जगह मिल जाए जिससे बारिश का प्रभाव हमारे ऊपर ना हो सके। तो जब ग्रह स्थिति कोई खराब हो, हमने एक ग्रह की चर्चा की, संभवतः और अन्य ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हों, आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति चल रही हो, तो फिर इन चीजों का सामना आपको बहुत कम करना पड़ेगा। तो आप जान चुके हैं कि क्या कैसा है, तो सावधान हो जाइए, ना कि डरिए। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।